इंदौर शहर ऐसा लग रहा है दो चार में यहाँ लाशों को ढेर लगने वाले हैं कि अस्पतालों के बाहर बेचारे मरीज पड़े हुए हैं, वहाँ ढेरने की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंदौर शहर लाशों को ढेर बनने वाला है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और इंदौर का प्रशासन होगा। अभी हमने कहा भाई पैसे की कमी है, तो अभी ये पूरा चेक लेके आया संजय शुक्ला हमारे कि भर लीजिए इतना पैसा भरना है, लेकिन 5,000 इंजेक्शन हमको दीजिए, गरीबों को हम लगा सके जिन्हें कहीं सरकार सुविधा नहीं दे पा रही। आप झूठ बोल रहे हैं या प्रशासन झूठ बोल रहा है? प्रशासन झूठ नहीं बोल रहा है, प्रशासन ने व्यवस्था नहीं करी, ये कंपनियों के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। प्रशासन ने यहाँ के लोगों को प्रदाय करने के लिए ये माकूल व्यवस्था करी है। इंदौर से की हालत बदतर हो चुकी है। हम दवा मार्केट में आए थे क्वालिटी डस्ट के अंदर, यहाँ आदरणीय शर्मा जी हैं जिनकी दुकान है, उनसे हमने पूछा है कि बोले हमको मात्र सफर 500 इंजेक्शन मिले थे, उसमें से हमने 400 बांट दिए हैं, 400 बढ़ गए, परंतु देखिए 1,000-2,000 आदमी बाहर लाइन में लगा हुआ है, ये इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है। उन्होंने खुद ने बोला है कि सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जितने सरकारी अस्पताल है वहाँ एक भी इंजेक्शन नहीं है, वहाँ के लोग आ रहे हैं यहाँ भटक रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था आप करवाएं, परंतु ना वो सरकार कर रही है, ना दवा वाले कर रहे हैं, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ के दवा मार्केट वाले बोल रहे हैं हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, तो ये इंजेक्शन कहाँ जा रहा है? तो प्रशासन सोया हुआ है, उसको मालूम होना चाहिए कि इंजेक्शन कहाँ गए। हम जनप्रतिनिधि ना दे उनको हमको बताना चाहिए कि इंदौर में इतना इंजेक्शन आ रहा है, इतना ऑक्सीजन आ रहा है, परंतु कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है और ना कोई बताने को तैयार है। क्या स्थिति बनी हुई है इंदौर शहर की? इंदौर शहर ऐसा लग रहा है दो चार में यहाँ लाशों को ढेर लगने वाले हैं कि अस्पतालों के बाहर बेचारे मरीज पड़े हुए हैं, वहाँ ढेरने की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंदौर शहर लाशों को ढेर बनने वाला है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और इंदौर का प्रशासन होगा। वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5,00,000 रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स, शेयर करें खूब खेले खूब कमाए। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा? वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।